गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज अवर सेकंड क्लास। दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। टेल द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क। सभी के दिमाग में लॉजिक आ रहे हैं? द लॉजिक विल बी ऑफ स्क्वेयर्स। आ रहा है सभी के दिमाग में? लॉजिक रहेगा स्क्वेयर्स का। आया दिमाग में सभी के? यस, वेरी गुड। सही है लॉजिक। सभी को ऐड करना है। पांच और चार नौ, नौ और तीन बारह, बारह और छह अठारह, एटीन। एटीन का स्क्वायर 324, ठीक है। ग्यारह और सात अठारह, अठारह और ग्यारह उनतीस, 29 का स्क्वायर 841। इक्कीस का स्क्वायर होता है 31 का, 13 और 8 21, कितना बचा 10। तो यहां पे क्या होना चाहिए था? सिक्स। आया चलेगा? क्लियर टू ऑल? कैसे किया? क्लियर, ओके, वेरी गुड। आप सभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दे। सभी 16 की पावर 2x प्लस 3 शुड बी इक्वल्स टू 64 की पावर x प्लस 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमको x की वैल्यू बतानी है। देखो कैसे करेंगे। दोनों साइड बेस से बनाते हैं। 16 की पीएफ में दो कितनी बार आएगा और 64 की पीएफ में दो कितनी बार आएगा बताइए बराबर चैट बॉक्स में। 16 की पीएफ करो, 64 की पीएफ करो और बताओ टू कितनी बार आएगा। वेरी गुड अंजलि। 16 की पीएफ में चार बार आएगा। वेरी गुड। हां जी, 64 की पीएफ करो, बताओ टू कितनी बार आएगा। वेरी गुड। सोचो बताओ, सोचो। यस, यू आर राइट। 16 की अगर हम पीएफ करेंगे तो दो आएगा चार बार, और अगर मैं 64 की करूंगा तो आएगा छह बार। क्लियर है? अब बेस सेम हो गया। पावर बराबर कर दो। 4 2 8x, 4 3 12, 6x प्लस 18। क्लियर है? 8 में से 6 गया 2x, 18 में से 12 गया 6, x की वैल्यू 3। बोलो इजी है? x की वैल्यू 3। ओके, वेरी गुड। आप सभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 की पावर माइनस एम मल्टीप्लाई 1 बाय 2 की पावर एम इक्वल्स टू 1 बाय 4, ठीक है। यहां से आपको बताना है एम की वैल्यू क्या होगी। इसके बाद एक क्वेश्चन अलग से है। पहले आप ये बताओ एम की वैल्यू क्या होगी, सोचो, फिर ये उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। हां जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम। एम की वैल्यू बोलो 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 बोलो, चैट बॉक्स में डालो एम की वैल्यू। बच्चों की आ रही है 1, चेक करते हैं। लेट्स चेक। ध्यान दो सभी, नीचे क्या है? प्लस। ऊपर जाके माइनस। 2 की पावर माइनस एम, 2 की पावर माइनस एम। क्लियर है? इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 2। नीचे किसकी है? प्लस। ऊपर जाके माइनस। क्लियर है? बेस सेम, बी से मल्टीप्लाई, पावर को ऐड कर दो। माइनस एम प्लस माइनस एम क्या बन जाएगा? माइनस का 2m। तो 2 की पावर माइनस का 2m इक्वल्स टू 2 की पावर माइनस 2। क्लियर? बेस सेम, बीच में बराबर, पावर शुड बी इक्वल। 2 से 2 कट, माइनस से माइनस कट, एम की वैल्यू 1। क्लियर? हां जी, क्लियर सभी को? नाउ जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ एम हियर।
यहां पुट करना है m की वैल्यू 1, क्लियर है? 1 पुट करेंगे भाई आएगा 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2, इसका पावर -1 मतलब इसका उल्टा, इसका उल्टा क्या होगा 5, 5 और 2 7, 1/4 मल्टीप्लाई 7 हमको मिलेगा 1/2, ठीक है? हाँ जी क्लियर एवरीबॉडी, क्लियर टू ऑल? इजी था, कुछ हार्ड नहीं था। ओके वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है आप सभी के नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्ट गिव मी अ सेकंड, लाइक दिस 4, 10, 19, 6, 15, 9, 8, 15, 25, 7, 17, 10, 5, 13, 24, 8, 19. Here is question mark. Options are 10, 11, 12, 13. चलो करो ट्राई, ट्राई करो। वेरी गुड, सोचो सभी सोचो, इजी है इजी। अब आपका दिमाग चलेगा ऐसा दिया है, ठीक है? हाँ वेरी गुड वेरी गुड, सोचो वेरी गुड। यस कंटिन्यू कंटिन्यू, वेरी गुड कंटिन्यू, सही आ रहे हैं आंसर, ठीक आ रहे हैं। यस यू राइट, ये हमारा क्वेश्चन है, हमको x की वैल्यू बतानी है। जिसका ये क्वेश्चन हो गया है फटाफट इस नंबर की पीएफ करें, 6561, फटाफट इस नंबर की पीएफ करें 6561। आपका आंसर 11 आ रहा है, सभी का आ रहा है 11 11। सभी कह रहे हैं 11, इजी क्वेश्चन था इजी, आपको बस अपना दिमाग लगाना था थोड़ा सा। आई थिंक आपका आंसर आ गया होगा, 10 में से 4 गया 6, 19 में से 4 गया 15, इन दोनों को सबट्रैक्ट किया यू गेट 9, सेम माइनस करने पे 10, माइनस करने पे 7, माइनस करने पे 17, सेम माइनस करने पे 8, माइनस करने पे 19 और माइनस करने पे 11, आंसर इज 11। फटाफट बताएं पीएफ के अंदर क्या आएगा, 6561 पीएफ करें और पीएफ के अंदर बताएं 3 कितनी बार आएगा। यस 3 विल रिपीट हाउ मेनी टाइम्स, सिक्स फाइव सिक्स वन, वेरी गुड। सभी अपने पीएफ मैच करेंगे, 3 से पीएफ की कितना आया 2187 राइट, 2187 राइट, दोबारा की तो आया होगा 729, अगेन 243, देन 81, देन 27, देन 9, देन 3 एंड देन 1, क्लियर? 6561 के नीचे
2187729243817931। तो आपका 3 आएगा 8 टाइम्स। क्लियर है? ये वाला एज इट इज डोंट टच। 81 के पीएफ में 3 कितने बार आएगा? 4 बार, और 4 टू जा 8, एम आई राइट? इसकी पीएफ में 3 आया 8 टाइम्स, आपने किया है। और ये एज इट इज इक्वल्स टू 3 की पावर 7। क्लियर है? गॉट इट? नेक्स्ट स्टेप ध्यान दो, बेस क्या है? सेम, बीच में क्या है? डिवाइड। पावर क्या होगी? माइनस, 5 में से 2 गया, 3 की पावर 3x। क्लियर है? बेस क्या है? सेम, बीच में क्या है? मल्टीप्लाई। पावर क्या कर दो? प्लस। बोलो क्लियर है? बेस सेम, बीच में मल्टीप्लाई, पावर क्या कर दो? प्लस। बेस सेम, बीच में इक्वल, पावर शुड बी इक्वल। हाउ मच? कितना आएगा? माइनस 9, 3 1 3 3 एक्स की वैल्यू माइनस 3। बोलो क्लियर है? हाँ जी स्टूडेंट्स, क्लियर? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, बिल्कुल भी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस, वेरी गुड। आप सभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है? क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा, स्क्वायर और क्यूब से बाहर निकलना पड़ेगा। जरूरी नहीं स्क्वायर क्यूब भी रखता होगा, कुछ और भी रख सकता है। 4 3 7 2 1 3 लॉजिक का हिंट में दे रहा हूं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, दिस इज द हिंट ऑफ द क्वेश्चन। सभी सोचें एक बार, दिस इज द क्वेश्चन, आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शंस आर लाइक दिस, वेरी गुड। सभी ट्राई करें एक बार, सभी ट्राई करें। वेरी गुड, वेरी गुड, फिर ठीक है, ओके डन, ओके डन, ठीक है। इसका आंसर क्लियर सभी को? 294। इनकी मल्टीप्लाई, इनका प्लस दोनों की मल्टीप्लाई। ये वाला क्वेश्चन क्लियर है? दोबारा समझा रहे हैं, दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके, वेरी गुड, ओके ओके डन, ओके डन, ओके ओके ओके। आप सभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन करते हैं। जस्ट थिंक ऑफ इट, सोचो से भी, वेरी गुड, सोचो। टेबल्स आते हैं सभी को? टेबल्स अभी पता चलेगा किस चीज को टेबल याद है। आई होप जिसको पकड़ना होगा वो मेरे हिंट को पकड़ गया होगा। हिंट पकड़ में आ गया? हिंट, हिंट आ गया पकड़ में? वेरी गुड, सोचो से भी, सोचो।
यस, क्या आंसर आएगा? वेरी गुड, ट्राई टू डू, वेरी गुड, वेरी गुड रौनक, वेरी गुड, वेरी गुड यांशी, वेरी गुड ग्राहक, लॉजिक क्या रहेगा? लॉजिक विल बी मल्टीपल्स, जो ऊपर नंबर लिखे हुए हैं वो सभी मल्टीपल्स हैं, गॉट इट? जो ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं वो सारे नीचे वाले नंबर के मल्टीपल्स हैं, उसकी टेबल्स में आते हैं। तो माय आंसर विल बी 16। आया सभी का? आंसर विल बी 16 बेटा, आंसर आएगा 16। अच्छा मुझे ये बताओ, 12 के टेबल में कौन नहीं आता? हमारा आंसर रॉन्ग क्यों है? 12 के टेबल में कौन नहीं आता बोलो? यस यू आर राइट, 112 राइट, ओके। 14 के टेबल में कौन नहीं आता? 14 के टेबल में, 14, वेरी गुड। 96 नहीं आता और 144 नहीं आता, वेरी गुड। 18 के टेबल में कौन नहीं आता? 18, 18 के टेबल में 96, ओके वेरी गुड। 112 आता है? 112, हाँ 112 भी नहीं आता, राइट, ओके। आप सभी के नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे फटाफट बताएं एन की वैल्यू क्या होगी, कन्वर्ट करो सेम पावर में, निकालो क्या आंसर आएगा, कन्वर्ट करो सेम पावर में, सॉरी सेम बेस में, सॉरी कन्वर्ट करो सेम बेस में, सेम बेस, वेरी गुड कर सकते हो। यस यू कैन डू, कर सकते हो आप। हाँ जी स्टूडेंट्स, हाउ मच, हाउ मच, आई होप आप ऐसे सोच रहे होंगे, टू की पावर है, रूट लगा हुआ है, पावर 1/2 इक्वल्स टू, इसकी पीएफ करोगे तो 2 आएगा 10 टाइम्स, ये पावर 1/2 है, जब उस साइड घूमेगी तो क्या बन जाएगी? 2, तो 2 की पावर है इक्वल्स टू 2 की पावर 20, तो एन का आंसर आ चुका है 20। बताएं सभी, am I right? एन का आंसर आएगा 20, am I right? ओके, बट क्वेश्चन में कुछ और पूछा हुआ है, सभी ध्यान देंगे, क्वेश्चन में हमसे पूछा है 3 की पावर 2 और भी उसके साथ लिखा हुआ है एन बाय 2 माइनस 4, इस वैल्यू को यहां पुट करो और बताओ क्या आंसर आ रहा है, पुट करो एन की वैल्यू को और बताओ क्या आंसर आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, सॉल्व करो सभी, पुट द वैल्यू ऑफ एन, हाउ मच यू गेटिंग? फाइनल आंसर क्या आएगा? फाइनल आंसर, फाइनल, जस्ट वेट, बाय मिस्टेक हेयर आई एम हैविंग 4, सॉरी बाय मिस्टेक हेयर इज 4,
Now solve. What do you get? What do you get? Yes, you are right. You are getting 9, right? 20 को put करोगे? 4 1 जा, 4 5 जा. 5 is a 4 गया 1. 2 1 जा 2. 3 का square 9. Got it? सभी का next question. 21 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर और दोनों की पावर 2/3. फटाफट सॉल्व करें और बताएं क्या आंसर आएगा. फटाफट. वेरी गुड एवरीवन. दीज आर इजी क्वेश्चंस. सॉल्व करें और बताएं क्या आंसर आएंगे. सॉल्व करें. वेरी गुड. सॉल्व करें सभी. Easy questions are there. Easy questions. Very good. Try to do. Very good. First answer 216. JMCS is coming 216. What about others? किसी answer आया? Answers are coming different different. Okay. 21 का square how much? Tell me. 21 square how much? Very good. You are saying 441, right? Okay. 15 का square 225. Minus करो बड़ा डाल chat box में. Do minus in chat box first. Minus करने के बाद, yes you are writing 216. You are writing 216. उसकी power है बेटा 2/3. ध्यान दो, नीचे लिखा हुआ है 3. ये किसका cube है? 6 का. 6 का square क्या बचेगा? 36. Right? हाँ जी. Right है आपका answer. Answer is 36. Okay, good Akhil, very good. Ronak, good. Okay, now try the next question. Next question, very easy. Very good, very good. अपना अपना करें सभी. अपना अपना वेरी गुड. डोंट लुक ऑन द बोर्ड. अपना अपना करें. वेरी गुड. क्या आंसर बना रहे हैं? आंसर वन. सभी का अपना अपना मेथड होता है करने का. मैंने मेरे मेथड से किए हैं, आप अपने मेथड से करो. आंसर शुड कम आउट एज वन. आप सभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन. आपको बता रहे हैं व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एन. 1296 को कन्वर्ट करो 6 की पावर में, कितना आएगा? 1296 को कन्वर्ट करो 6 की पावर में, कितना आएगा? Yes, you are right. You will be getting 6 की पावर 4, right? 6 की पावर n equals to 6 की पावर 4. From here, your answer is what? 4. आ रहे सभी का? Okay, आप सभी का next question. A by B की पावर गिवन है
रूट 97 माइनस रूट 97 सॉरी 99 माइनस 97 99 प्लस 97 बताएं इसका आंसर क्या आएगा। इसका क्या आंसर आएगा? वेरी गुड वेरी गुड। यस वैभव यू आर राइट। ओके बाकी इस पर लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर इसका स्क्वायर करोगे तो 99, इसका स्क्वायर करोगे तो 97, कितना बचेगा 2, दैट मींस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ओके योर टुडे इज लास्ट क्वेश्चन, 5 की पावर n प्लस 2 शुड बी इक्वल्स टू 625, तो आपको बतानी है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू क्या होगी। 5 की पावर n प्लस 2 इक्वल्स टू 625, आपको बतानी है व्हाट विल द वैल्यू ऑफ n। यस इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। इसको गणना करेंगे 5 की पावर क्या आएगी 4, क्लियर है, n प्लस 2 इक्वल्स टू 4, यू विल गेट n इक्वल्स टू 2। ओके गॉट इट। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सपोनेंट्स, टुमारो वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, ठीक है, कल हम चैप्टर 4 की रिवीजन स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बेटा, बाय। ओके बेटा, बाय बेटा, बाय स्टूडेंट्स, बाय बेटा।